वेलकम स्टूडेंट्स, NMTC 2023 सीरीज में मैं आज एक और नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर पेयर्स एक्स कॉमा वाई इन विच एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड 5x प्लस 6y इक्वल 1 इज। तो सवाल हमारे को क्या पूछ रहा है, हमारे को सारे वो पेयर्स एक्स वाई के नेचुरल नंबर्स के निकालने हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि x इज ग्रेटर देन y एंड 5x प्लस 6y इक्वल 1 वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं, हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, वापस से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 5y प्लस 6x इज इक्वल एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं, सब टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, एक्स वाई माइनस 5y माइनस 6x इज इक्वल 0। इन दोनों टर्म्स में से y को कॉमन निकाल लिया, x माइनस 5 आ गया, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन निकाला, x माइनस 5 कर दिया। तो हमने एक्चुअली क्या किया, यहाँ पे प्लस 30 कर दिया है। तो राइट हैंड साइड की इक्वेशन पे भी प्लस 30 कर देंगे, तो इक्वेशन ये बन जाएगी। सो दिस विल गिव मी x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस इज इक्वल टू 30 के फैक्टर्स कर लेते हैं, जितने भी फैक्टर्स पॉसिबल है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो हमारे को मिलेगा x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, अब हमारे को दे रखा है कि x हैज टू बी ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 है तो अगर मैं x माइनस 5 को कोई छोटा नंबर लेता हूं, जैसे 1 या 2 ले लिया, तो x की वैल्यू y से कम आएगी। तो जो सबसे पहला नंबर मेरे को जो दिख रहा है वो मेरे को लेना चाहिए, अगर मैं लेता हूं x माइनस 5 इज इक्वल 10, तो y माइनस 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 6 की वैल्यू आ जाएगी 6। सो यहां पे हमारे को मिल गया 15, 12। x की वैल्यू 5 ले लेते हैं और y की वैल्यू 12 ले लेते हैं, x की वैल्यू 15 ले लेते हैं और y की वैल्यू 12 ले लेते हैं, नहीं, x माइनस 5 को 10 लिया है तो y माइनस 6 एक्चुअली 3 होगा, 6 नहीं होगा, y माइनस 6 जो है वो 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 15, 9। अगर हम x माइनस 5 को 15 लेते हैं तो y माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 20 हो जाएगी और y की वैल्यू 8 हो जाएगी। अगर मैं x माइनस 5 को 30 लेता हूं तो y माइनस 6 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 35 हो जाएगी और y की वैल्यू 7 हो जाएगी। हमने शुरू किया था x माइनस 5 इज इक्वल 10 से शुरू किया था, तो हमारे पास ये 3 आंसर आएंगे। अब हमारे को चेक करना चाहिए हम कहीं कुछ वैल्यू छूट तो नहीं किए, तो 10, 15, 30 और इससे छोटा नंबर में क्या लिख सकता था, मैं लिख सकता था x माइनस 5 को 6। अगर अपन x माइनस 5 को 6 लेते तो y माइनस 6 की वैल्यू आ जाती 5, तो x की वैल्यू 11 हो जाती और y की वैल्यू भी 11 हो जाती। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि x को ग्रेटर देन y होना है, x लेस इक्वल टू y नहीं हो सकता, इसीलिए ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब x माइनस 5 इससे छोटी वैल्यू कुछ भी लेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमारे पास टोटल कितने पेयर्स आ गए, हमारे पास 3 पेयर्स आ गए x को y के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो आई होप आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel. Thank you.